जॉइंट वेंचर अकाउंट यूनिट नंबर 3 बरोबर। देख क्या करना है उसके अंदर, तेरे को सबसे पहले अकाउंट बना लेने के, जॉइंट वेंचर अकाउंट बना लेना है, को वेंचर अकाउंट बना लेने का और जॉइंट बैंक अकाउंट, ये तीन अकाउंट तेरे फिक्स है बरोबर है। ये तीन अकाउंट तेरे हर क्वेश्चन के अंदर बनेगा। कौन सा बनेगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचर अकाउंट बनेगा, को वेंचर ने थर्ड नंबर पे जॉइंट बैंक अकाउंट तुम्हारे बनाना है। क्या करने का? तो देख सीधा ने सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है उसके डेबिट साइड पे सब एक्सपेंसेस लिख देने के। क्या करने का? जितने भी एक्सपेंसेस है ना सब तेरे को डेबिट साइड पे लिख देने का जॉइंट वेंचर अकाउंट की बरे? और कहाँ से भी तेरे पास पैसा आता है वो सब कहाँ पे लिख देने का? क्रेडिट साइड पे लिख देने का। ने क्लोजिंग हो उसको भी क्रेडिट पे लिख देना है। उसी तरीके से को वेंचर की बात अगर हम लोग करें तो पार्टनर अगर कोई भी चीज लेके आएगा तो क्या करूंगा? को वेंचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। ने कोई भी चीज लेके जाएगा तो डेबिट साइड पे लिखूंगा बरे। उसी तरीके से जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर अगर पैसे वगैरह आएंगे तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, ने पैसे जाएंगे तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देख सबसे पहले क्या दिया, दारा सिंह भक्तावन गोपीनाथ अंडरटेक टू इरेक्ट द 5-स्टोर मेंशन फॉर अ हाउसिंग ट्रस्ट लिमिटेड। क्या करते, तीनों मिलके एक हाउसिंग ट्रस्ट लिमिटेड बना दिया जिसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है? 25 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, टू बी पेड इन केस ₹22 लाख एंड द बैलेंस अमाउंट इन 13% ऑफ डिबेंचर ऑफ द कंपनी। क्या करा हुआ है, 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, उसने 22 लाख रुपए रोकड़े दिए और बचे कुछ के क्या करे 13% के डिबेंचर दिए बरे। तो अपने को तो इससे पैसे मिलेंगे ना। देख जॉइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 22 लाख रुपए जो रोकड़े मिले वो अपनों ने लिख दिया बरोबर है, ने 3 लाख रुपए के डिबेंचर दिए तो डिबेंचर अपनों ने लिख दिए। अभी डिबेंचर उन्होंने दिया है तो क्या करना पड़ेगा, डिबेंचर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करा हुआ, देख डिबेंचर का अकाउंट बनाए, अगर डिबेंचर नहीं देते ना 25 लाख रोकड़े दे देते तो डिबेंचर का अकाउंट नहीं बनता। अच्छा डिबेंचर के बदले इक्विटी शेयर देते तो डिबेंचर के बदले इक्विटी शेयर का अकाउंट बनाता, कुछ मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं है। अच्छा हर एक ट्रांजेक्शन की 2 एंट्रीज आवे बरोबर, तुमने एक एंट्री कहाँ पे कर दी तो जॉइंट वेंचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे कर दी ना, तो दूसरे नंबर की एंट्री कहाँ पर जावे, डेबिट पे जावे। देखो 22 लाख रुपए रोकड़े मिले मतलब तेबा पैसे तो आए ना बर, तूने एक एंट्री जॉइंट वेंचर अकाउंट की क्रेडिट पे 22 लाख की करी, दूसरे नंबर की एंट्री जो जॉइंट बैंक अकाउंट है उसके देख डेबिट साइड पे 22 लाख रुपये लिख दिए, ले गए हो गया ना, एक एंट्री क्रेडिट पे दूसरी एंट्री डेबिट पे। अच्छा उसने क्या करा था, तो भाई उसने 3 लाख रुपए के डिबेंचर दिए ले, तो डिबेंचर तूने लिखे कहाँ बाजू, क्रेडिट पे लिखा ना, एक एंट्री तूने क्रेडिट पे लिखी तो डिबेंचर के अंदर दूसरी एंट्री डेबिट पे लिख दो, डिबेंचर के अंदर 3 लाख रुपये हो गया ना, रोकड़े मिले बर, रोकड़े ने डिबेंचर दोनों चीज़ मिली है तो दोनों की एंट्री जॉइंट वेंचर अकाउंट की क्रेडिट पे कर दी, रोकड़े की एंट्री जॉइंट बैंक की डेबिट पे करी, डिबेंचर की एंट्री डिबेंचर की डेबिट पे पर कर दी। आगे देख क्या दिया आएगा, देगरी शेयर इक्वली द प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो क्या करेंगे, इक्वली वो लोग बांट लेंगे, तो छेले पैसे जो बचेंगे वो इक्वली वो लोग बांट लेंगे, लास्ट में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट होता है लॉस होता है उसको इक्वली हम लोग बांट के दे देंगे। दे ओपन अ जॉइंट बैंक अकाउंट विद द केस कंट्रीब्यूट एज ए स्टेटेड बिलो बरे, उन्होंने क्या करा, मिलके जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करा, जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर दारा सिंह के 3000 है, भक्तावर के 375 और गोपीनाथ के 2 लाख रुपए, इतने इतने पैसे लाके उन्होंने क्या करा जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करा। तो तुम जॉइंट बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे तुम डालोगे बैंक के अंदर तो उतने तो पैसे तेरे बैंक में दिखेंगे ना बरोबर, तो ये जो 3 लाख 375 और 2 लाख उसकी एक एंट्री में क्या करूँगा बैंक के अंदर कर दूंगा, 3 लाख 375 और 2 लाख पैसे आए ना, पैसे आए तो बैंक अकाउंट की डेबिट के ऊपर लिख देना बरोबर है, डेबिट पे लिख दिया। अच्छा ये पैसे लेके कौन आया, पार्टनर लेके आए, बस अब तीनों पार्टनर के अकाउंट में लिख दूंगा, पार्टनर कुछ भी लेके आवे तो क्रेडिट पे लिखने का। देख 3 लाख 375 और 2 लाख क्रेडिट पे लिखा हुआ है बरे, या दूसरे नंबर का कॉन्सेप्ट, तुमने बैंक अकाउंट की डेबिट पे लिखा ना
तो दूसरी एंट्री का जानी चाहिए, क्रेड पे जानी चाहिए, पार्टनर का नाम है तो पार्टनर की क्रेड पे जानी चाहिए। बड़े सीधा सिंपल सा लॉजिक याद रखने का, अगर पार्टनरों का नाम दिया है तो एक एंट्री को वेंचर अकाउंट के अंदर तो जावे, दूसरे नंबर की एंट्री अपने डिसाइड कर लेने की बरोबर के काबज हो जाएगी दूसरे नंबर की एंट्री। इसके बाद एक आगे क्या दिया है, आगे दिया है दारा सिंह पे रुपीज 32,000 एज अ आर्किटेक्चर फी। दारा सिंह ने क्या करा, 32,000 रुपये आर्किटेक्चर के फी के दिया। देख पार्टनर का नाम आया, पहले तुम्हारे को बोल दिया एक एंट्री को वेंचर में जाओ, को वेंचर में जाओ तो को वेंचर में नक्की करने का अपने को कि पार्टनर पैसे लेके या कुछ लेके आता है कि लेके जाता है। अगर वो लेके आता है मतलब क्रेडिट साइड पे लिखने का, नहीं लेके जाता हुए तो डेबिट साइड पे लिखने का। यहाँ पे पार्टनर ने क्या करा, 32,000 रुपये दिए ना आर्किटेक्टर की फी के, तो 32,000 रुपये देख लिख दिए भाई दारा सिंह के अंदर, या नीचे नाम में दिलावर भक्ताओं ने गोपीनाथ हो गया, जबकि नाम जो ऊपर तुम्हारे को दिया वही अपने लिखने का, दारा सिंह के अंदर आएगा कितना, 32,000 रुपये। पर एक एंट्री तो तूने यहाँ कर दी, नहीं यहाँ कर दी मतलब क्रेडिट पे करी ना, दूसरे नंबर की एंट्री का जावे डेबिट के ऊपर जावे, पर डेबिट में कहा जाएगा तो जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट पे जाएगा। डेबिट में अपने देखा ना कोई भी खर्चा हो यहाँ लिख देने का तो आर्किटेक्टर की फी क्या आएगा, खर्चा आएगा तो देख यहाँ बच्चों लिख दिया ना बरोबर, 32,000 रुपये खर्चा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है बरोबर। इसके बाद एक क्वेश्चन में क्या दिया है, भक्तावर ब्रिंग कॉन्क्रीट मिक्सर एंड अदर इक्विपमेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 80,000। भक्तावर क्या लेके आया, हिस्सेदार का कॉन्क्रीट मिक्सर वगैरह लेके आया, पार्टनर कुछ भी लेके आवे को वेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख देने का, दे क्रेडिट साइड पे जमा साइड पे 80,000 रुपये लिखे लाया है। इसके दूसरे इंडिक आ जाएगी खर्चा वन एंड वन टाइप का जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट पे, देख डेबिट पे लिखा हुआ है भक्तावर क्या लेके आता है, मिक्सर लेके आता है 80,000 रुपये का बर। उसके बाद देखते रहो क्या दिया हुआ है, गोपीनाथ ब्रिंगा मोटर लॉरी वैल्यू एट रुपीज 75,000 बर। गोपीनाथ क्या कहता है, 75,000 रुपये की लॉरी लेके आता है, तो क्या करेंगे हम लोग 75,000 की लेके आया क्या करूँगा, को वेंचर अकाउंट की क्रेडिट के ऊपर कोई भी पार्टनर कोई भी चीज लेके आओ क्रेडिट पर डाल देना का, ने वन टाइम एक्सपेंसिस देगा तो क्या करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट पे, देख लिख दिया गोपीनाथ करके 75,000 बर। आगे क्या दिया हुआ है, तो आगे दिया है ऑन कंप्लीशन ऑफ वेंचर, वेंचर तेरा कंप्लीट हो गया, कॉन्क्रीट मिक्सर इज सोल्ड फॉर रुपीज 50,000, 50,000 रुपये में कॉन्क्रीट मिक्सर बिट डाला। देख जब तुम लेके आए तो जॉइंट वेंचर की डेबिट पे लिखा ना, अब बेचोगे तो या लेके जाओगे तो क्रेडिट पे लिख देते, क्रेडिट पे लिख दिया सेल्स 50,000 रुपये, अच्छा 50,000 का सेल करा ना तो यहाँ पर जो लिख दिया, अब तुम सेल करोगे तो पैसे आएंगे के जाएंगे, डेफिनेटली आएंगे बर, तो आएंगे तो जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर एंट्री जावे ना, एक एंट्री तेरे क्रेडिट पे गई, दूसरे नंबर की एंट्री जॉइंट बैंक अकाउंट की डेबिट के ऊपर होगी। देखे अच्छा क्या, देख इन्होंने 60,000 की एंट्री साथ में करी है बर, क्योंकि यहाँ दो चीज़ें वो लोग बेचते हैं, जबकि अपने क्या करने का इंडिविजुअल एंट्री करने की, अपने यहाँ पर जो 50,000 की एंट्री करेंगे बर। आगे देख क्वेश्चन में दूसरा क्या दिया हुआ है, एंड प्लांट एंड अदर इक्विपमेंट आर सोल्ड एज स्क्रैप फॉर रुपीज 10,000, प्लांट और अदर इक्विपमेंट कितने में बेचा, 10,000 में बेचा, जब तुम लेके आते हो तो जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट पे लिखते हो ना, अब बेच डाला है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट की क्रेडिट पे लिख दोगे, देख लिख दिया 10,000, अच्छा ये 10,000 का बेचोगे तो भी क्या है, पैसे तेरे पास आएंगे तो जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर 10,000 रुपये लिख देंगे ना, देख क्या लिखे लाएगा। इन्होंने क्या करा है, जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर पहले जो 50 का बेचा वो, अभी 10 का बेचा वो, दोनों की साइन की साथ में एंट्री कर दिया अपने इंडिविजुअल एंट्री करने की बरे, 50 का वो बेचा वो और 10,000 का ये बेचा वो बरोबर, 60,000 की एंट्री आ जाएगी। इसके बाद तेरे क्या दिया हुआ है, तो गोपीनाथ टेक बैक मोटर लोरी एट रुपीज 40,000 मो, क्या कहता है गोपीनाथ 40,000 की मोटर लोरी लेके चला जाता, अब जब वो लेके आया तो जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट पे लिखा ना, लेके जाएगा तो क्रेडिट पे लिख देंगे, देख लिख दिया क्रेडिट पे 40,000, अच्छा इसके पहले दो चीज़ों को तूने बेचा था इसके लिए बैंक में लिखा, या पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर के अंदर जाएगा ना, को वेंचर के अंदर जानी चाहिए इसकी एंट्री बर। अगर पार्टनर लेके आता है तो को वेंचर की हम लोग क्रेडिट पे लिखते हैं, यहाँ पे पार्टनर लेके गया ना तो को वेंचर की डेबिट साइड पे देख 40,000 रुपये लिखे ले, या दूसरे नंबर का कॉन्सेप्ट, एक एंट्री तो तेरी का बजू आ गए ऊपर क्रेडिट पे आ गए ना, तो दूसरे नंबर की एंट्री कहाँ आनी चाहिए, डेबिट पे आनी चाहिए।
पार्टनर का नाम बोले, मतलब को वेंचर के अंदर तेरी एंट्री तो जानी चाहिए। अब आगे ध्यान से सुनियो, देख दूसरा तेरे क्या दिया हुआ है। आगे आगे तेरे क्वेश्चन में दिया आएगा, दारा सिंह टुक द डिबेंचर इन द वैल्यूएशन ऑफ रुपीज 2,80,000। दारा सिंह क्या करता है, 2,80,000 के अंदर डिबेंचर लेके चला जाता है। तो देख डिबेंचर तेरे थे कितने के, 3,00,000 के थे। तो जब तुम डिबेंचर लेके आ रहे तो तुमने डेबिट पे लिखा था ना, अब डिबेंचर जा रहे तो क्रेडिट पे लिख दिया। जब कौन लेके गया, दारा सिंह लेके चला गया, एक एंट्री तेरे क्रेडिट पे हो गए। दारा सिंह मतलब पार्टनर का नाम आया, पार्टनर का नाम आया मतलब को वेंचर के अंदर एंट्री तेरी जानी चाहिए। देख को वेंचर के अंदर दारा सिंह के अंदर डिबेंचर करके 2,80,000 लिख दिया। सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर पार्टनर कुछ भी लेके आता है तो क्रेडिट पे जावे, देख कुछ भी लेके जावे तो डेबिट पे, या डिबेंचर लेके गया ना तो डेबिट पे 2,80,000 लिख देंगे ना। अच्छा डिबेंचर थे कितने के, 3,00,000 के, लेके कितने में गया, 2,80,000 में, मतलब 20,000 का क्या हुआ, नुकसान हुआ। 20,000 का नुकसान, क्या करूंगा, 30% डिबेंचर अकाउंट के क्रेडिट पे लिख दूंगा। यहाँ बाजू एक एंट्री तेरी क्रेडिट पे आया, मतलब सेकंड नंबर एंट्री तेरी कहाँ जाएगी, डेबिट पे जाएगी। डिबेंचर के ऊपर जो नुकसान हुआ, दिस ऑल्सो वन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, ये सब एक्सपेंसेस हम लोग लिखते कहाँ बाजू है, जॉइंट वेंचर अकाउंट में लिखते। देख जॉइंट वेंचर में 30,000 रुपये लिख दिया, पर अब ऊपर कुछ बचा है, कुछ भी नहीं बचा, क्या करो, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है उसकी क्रेडिट साइड का टोटल कर डालो तो 2,60,000 आया, डेबिट साइड के टोटल को माइनस कर डालो तो आंसर आएगा कितना, 3,54,000 आएगा। पर अभी जो भी प्रॉफिट मिले या जो भी वोटे होते कुल लॉस मिला हुआ है, यहाँ आवे मतलब प्रॉफिट, पर ये प्रॉफिट क्या कर, तीनों तीन पार्टनर को बांट दो। ऊपर क्वेश्चन में तेरे को बोल दिया इक्वली रेशियो में बांटना तो इक्वली बांट दो, इफ नथिंग इज मेंशन, अगर कुछ भी नहीं बोलता तो भी इक्वली बांट देता, ना अगर कुछ तेरे को रेशियो देता तो जो रेशियो दिया है वो रेशियो हम लोग बांटते। तो तीनों का प्रॉफिट कितना आया, 1,18,000 आया, बरोबर है। ये एंट्री एक का बजू डेबिट पे, तो पार्टनर की क्रेडिट पे देख लिख दूंगा मैं, पर इसमें से सामने की वैल्यू को माइनस कर दो तो जो भी वैल्यू आएगी वो जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर लिख डालने का। पर ये जो वैल्यू आई डेबिट पे, वैल्यू तेरी आई है, ये वैल्यू को उठा के अपने क्या करेंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट की क्रेडिट पे लिख देंगे। जॉइंट बैंक अकाउंट की दोनों साइड का तेरा टोटल सर का आना चाहिए, इसका मतलब तेरा सम कैसा है, राइट है।